हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आयुर्वेद की ऑथेंटिक जानकारी बवासीर, भखंदर एवं पेट रोग को लेकर के इस चैनल पर मैं अक्सर अपलोड करता रहता हूं। वीडियो का टॉपिक है कि ऑपरेशन के बाद बने जख्मों को जल्दी ठीक करने के लिए क्या करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेशन के पहले मरीज के जहन में कई सवालात रहते हैं कि मल द्वार पर बीमारी क्या है, क्योंकि मरीज सोचकर आता है कि बवासीर हो गई है और डॉक्टर ने उसको फिशर बता दिया, या फिर मरीज अपने जहन में कैंसर जैसी बीमारी सोच करके आया और डॉक्टर ने चेक करके उसको भगंदर बता दिया, वगैरह वगैरह। और अगर मरीज ने अपनी बीमारी को 3-4 डॉक्टर को चेक करवा लिया तो वह अपनी सोचने और समझने की शक्ति और विचारों के मतभेद को अपने दिमाग में लड़ता देखता है, महसूस करता है और डिप्रेशन की स्थिति में वह व्यक्ति चला जाता है। बहरहाल ऑपरेशन अगर हो जाए ऑपरेशन होने के बाद की कंडीशन फिर क्या रहती है वो भी आप सुनिए। अगर ऑपरेशन हो जाए तो फिर उस ऑपरेशन होने के बाद बने जख्म को देखकर वह मरीज अब पूर्ण रूप से चिंता के सागर में गिरता है कि यह जख्म अब ठीक कैसे होगा और न जाने क्या क्या सोचता है। अगर आप भी मल द्वार के किसी बीमारी के लिए ऑपरेशन या क्षार सूत्र चिकित्सा कराने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मानव शरीर में बने सभी प्रकार के जख्म, चाहे वे चोट से बने हों और चाहे वह ऑपरेशन के बाद बने हों, वे सभी जख्म हमारा शरीर अपने आप ठीक करता है। अपने आप जख्मों को भरने की क्षमता शरीर में होती है। और जख्म को भरने की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है, उन बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहली बात है रोगी की आयु कितनी है। जिसको ऑपरेशन हुआ है और कुछ जख्म उसको बना है, दवाइयाँ भी वो व्यक्ति साथ में खा रहा है, डॉक्टर दवाइयाँ भी साथ में देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं और भी चीज़ें बताते हैं साथ में, खान पीन भी। तो सबसे जो पहली बात है वह है रोगी की आयु कितनी है। जवान लोगों के शरीर में बने जख्म बुजुर्गों के मुकाबले जल्दी ठीक हो जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति की उम्र 20 साल है, दूसरे की 40, तीसरे की 60 साल है, तीनों को बिल्कुल सेम साइज का जख्म बना है। तो 20 साल, 40 साल और 60 साल इन तीनों व्यक्तियों को उम्र के तकाजे के अनुसार जख्म को भरने में अलग अलग समय लगेगा। क्लियर है। इसके बाद आता है मौसम, कि मौसम कैसा है। ऋतुकाल का भी बहुत बड़ा असर जख्म के भरने पर पड़ता है, कि सर्दी है, गर्मी है या बरसात है, मौसम कैसा है उस समय का। सर्दी में बने जख्म जल्दी ठीक होंगे गर्मी के मुकाबले, और बरसात में बने जख्मों को सबसे ज्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है। क्लियर है। इसके बाद आता है कि सेहत कैसी है, रोगी की सेहत कैसी है। अब एक 50 साल वाला व्यक्ति है और वह अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, एक्सरसाइज करता है, योगासन करता है, हेल्दी डाइट लेता है, तो उस व्यक्ति की सेहत 20 साल वाले व्यक्ति से अच्छी हो सकती है। इस केस में वह उम्र के बैरियर को तोड़ देगा तो आगे निकल जाएगा 50 साल वाला व्यक्ति, क्योंकि उसकी सेहत अच्छी है तो उसका जख्म जल्दी ठीक होगा। उसके बाद है कि साफ सफाई और मलहम या क्रीम लगाना। जब भी ऑपरेशन होते हैं तो डॉक्टर आपको कोई क्रीम या मलहम बताते हैं जो आपने लगाना होता है। तो सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि आप जख्म की सफाई करके दिन में कितनी बार मलहम या दिया गया क्रीम उसके ऊपर लगाते हैं, तो ये भी एक बहुत मेन है, क्योंकि लगाने वाली दवाई बहुत अच्छा काम करती है मल द्वार के जख्मों के अंदर। ऑपरेशन के बाद कितना भी बड़ा जख्म बना हो, पहले 15 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। पहले 15 दिन सिर्फ बात जख्मों को साफ करके और हील करने में एक अहम भूमिका रखता है।
मल द्वार एक ऐसी जगह है जहां पर ना तो हवा पहुंचती है और ना ही धूप पहुंचती है, इसलिए मल द्वार के जख्म बाकी शरीर पर बने जख्मों के मुकाबले में थोड़े देर से ठीक होते हैं। कहने का मतलब है कि मल द्वार पर जब मल त्याग होता है तो मल त्याग जो है वह उन जख्मों को खींचता है। किसी का अगर एक्सपीरियंस रहा हो, उसको मल द्वार पर कोई सर्जरी हुई हो और सर्जरी के बाद उसको जख्म बना हो, तो वह देखेगा कि सर्जरी के बाद जो स्टूल पास आउट हो रहा है उसमें उसको 2 दिन 3 दिन या 7-8 दिन उसको थोड़ा सा मल त्याग करते समय उसको लगेगा कि जख्म फिर से खिंच गए, खुल गए, हरे हो गए, है ना। और साथ ही मल में उपस्थित 1.5 किलो बैक्टीरिया रोजाना जख्मों को छू कर गुजर रहा है, इसलिए एक कुशल सर्जन ऑपरेशन करते समय जख्मों को इस तरह से बनाता है कि यदि अगर कभी इन्फेक्शन हो भी जाए उसमें पस ना पड़े, वह पस ड्रेन आउट होता रहे। यह सर्जन की कुशलता पर निर्भर करता है कि उसका काम करने का तरीका कितना सुंदर है। ऑपरेशन के बाद हल्दी का सेवन बहुत फायदेमंद है। गर्म पानी के साथ रोजाना थोड़ी हल्दी अगर खाई जाए तो शरीर में किसी भी तरह की जो टूट फूट हुई है ये इसको बिल्कुल ठीक करती है। जो अखाड़े में पहलवान लोग होते हैं ये भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हल्दी को बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आपका इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम ही आपको ठीक करता है, आपको स्वस्थ बनाए रखता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वे रोज़ाना कुछ समय अपने शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने में लगाए, चाहे वह सैर करना, योगासन करना, तैरना, साइकिलिंग चलाना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ ना भी बनते करते पड़े, अगर चलने फिरने में समस्या है तो आप प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आपका ऑपरेट सही हुआ है तो आपका जख्म जो है वह इन बातों पर निर्भर करेगा। साथ में जो दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं जख्म को भरने में। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।